अश्विन बीत तो भेजले यार। ये भी ऐड दी, ये किसी का भी तो कुछ ही उसके वो गोटो की है। गोट अरे गोटे गोटो जो आपको बताते हैं। अभी एक नाइंस दिख रहे हैं, ये बहुत छोटा लग रहा है। अबे मार मत लेना इसको, देख के पता चल रहा है इसकी मौत केमिस्ट्री पढ़ते हुई है। दोस्तों भाई फोर्थ ईयर स्टूडेंट है, यही प्लेसमेंट हुई थी। शांत रही, मुझे कंसंट्रेट करने चाहिए, इसकी डीएनए से मैं बात कर रहा हूँ। फोर्थ ईयर स्टूडेंट है, यही प्लेसमेंट हुई थी। ये इस गांव का एक बच्चा है दोस्तों, जो थाईलैंड जाने की कोशिश कर रहा था, पर थाईलैंड के सिपाहियों ने इसकी डंडा डाल के इसको यहाँ मार के दफना दिए, पर इसकी मुंडी बाहर आ गई है दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं भाई, कुत्ता है वो भी खोद के गया है यहाँ पे। इसके आप दांत देख सकते हैं, ये लव बाइट देने के काम आते हैं इसके दांत। कितने दोस्तों, कितने बड़े बड़े और गहरे दांत है, तीखे दांत है। दिमाग आप देख सकते हैं छोटा है, इससे पता चल रहा है ये जानवर मादा था, मेरा मतलब लड़की था, ये जानवर फीमेल थी कोई, उसकी डेथ हुई है इस, क्योंकि इसका दिमाग थोड़ा छोटा लग रहा है दोस्तों। दोस्तों ये है आधी लोमड़ी और आधा इंसान। ये मेरी दुम है, ये पाँव है, ये मेरा हाथ है, और ये मेरा जिस्म है। ये ब्लॉग दे सकते हैं। अभी इसकी यहाँ पे आंखें दी हुई है और भी हड्डी है बहुत सारी, आइए पीछे भी आपकी। अगर मैं अब तजुर्बे के हिसाब से कहूं दोस्तों, तो ये डायनासोर है, छोटा सा डायनासोर दोस्तों। पल पल में जानवर बदल रहा है। यहाँ नरबख्शी जानवर भी आए हड्डी खाने दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं। उनको इंसानों की आदत नहीं है, इसलिए वो इंसानों से भी डरते हैं। जब हम चले जाएंगे तो ये नरबख्शी जानवर आके इन हड्डियों को भी चबा जाएंगे। स्नैक स्नैक। दोस्तों आप जैसा कि मेरे पीछे देख सकते हैं, थाईलैंड के कुछ नेटिव आदिवासियों का यहाँ पे संगठन बना हुआ है, और वो अपनी कोई ग्रुप एक्टिविटी, कोई उनका एक आज फेस्टिवल है, पर वो कर रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं, आओ थोड़ा नजदीक चलते हैं।